बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए तुगलकी फरमान की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, आप इस सदन में स्वयं भी माननीय विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज हो या श्रीमती गिरिजा व्यास जी हो, सबों ने महिलाओं के उत्पीड़न पर कितनी बार यहाँ पे बहस की है उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी देश में यह कानून बनता है कि 22 और 23 साल की लड़कियों को जबरदस्ती किया जाता है कि अगर डॉक्टर बनना है, आपको पीजी करना है, तो आपको हर हालत में गांव में जाना पड़ेगा। जिस देश में महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, मुंबई में सुरक्षित नहीं है, उस समय एक ऐसा कानून बनाना कि 22 साल की लड़कियों को हर हालत में अगर MS MD करना है तो तुम्हें गाँव में जाना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई कानून पास ही करना है तो सबसे पहले तो हम सांसदों को करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में भेजें, जिससे कि पूरे विश्व में एक मैसेज आ सके कि बिहार कि हमारे देश में लड़कियां कितनी सेफ हैं। और जहां पे कोई यहां पे ऐसी महिला सांसद नहीं है जो यह नहीं कहती हो कि हम यहां पे इस चीज़ के लिए डरते हैं। दूसरा मैडम, यह संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति कहाँ नौकरी करेगा? अगर वह सरकारी नौकरी करता है तो उसको पहले लिख के देता है वो गांव में करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी को बिना नौकरी दिए हुए आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि एक साल गांव में जाना पड़ेगा, तो यह सरासर गलत है। दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई कानून बनाना भी है तो वह MS या MD के दूसरे वर्ष के छात्राओं के लिए बनाए, क्योंकि अगर वह छात्रा एक साल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेगा तो उसको इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि वह काम कर सके। आप किसी भी लड़की को या लड़के को यह फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वह गांव में एक साल हर हालत में काम करे। यह संविधान के मौलिक नियम का उल्लंघन है। मेरा आपसे माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इस तरह का तुगलकी फरमान बंद किया जाए। आप सरकारी नौकरी में रखिए, उसको कहीं भी भेजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी भी लड़की को किसी भी गांव में भेजना बिल्कुल गलत है। आपने इस बात को मुझको उठाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।